लहर जैसे हैं कि समुद्र में से उठी और समुद्र में ही समा गई। वो चली गई तो कहाँ चली गई? समुद्र में से लहर उठी, ये जो रूमाल है ना, तो ये हिल रहा है, तो ये हिलना बंद हो गया, तो इसका जो हिलना कहाँ गया? समाप्त हो, खत्म हो गया। खत्म होके कहाँ गया? वो तो इसी में है ना, वो यही रूमाल हिल रहा था और वो हिलना बंद हो गया, तो हिलने की अपेक्षा नहीं हिलने रूप अवस्था हो गई। इसलिए वो समस्या नहीं आएगी कि जितना जितना समय निकलता जाएगा उतना उतना द्रव्य नष्ट होता जाएगा। तो ये द्रव्य का स्वरूप है। वस्तुतः हमारे चित्त में इस समझ में आना चाहिए, काल सब द्रव्यों का स्वरूप जो है जैसा है वो हमारी समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो हमारे लिए वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। अभी ये बातें हमने पढ़ ली छड़ाला में, भागवत पाठमालाओं में, द्रव संग्रह में, उस वक्त ऐसी बहस नहीं की, न हमने की न पढ़ाने वालों ने की। और अभी इस प्रवचन सार में तो उसे हम कहते हैं हम बहुत बारीकी से बात करते हैं, तो उन्होंने इसमें प्रश्न उठाया। प्रश्न उठता तो अपने दिमाग में तब भी था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसी समय यहाँ है उसी समय वहाँ है, यानी अपना हाथ रेल के डिब्बे में ऐसा बाहर निकला रहा है उसकी खिड़की पहले। आजकल तो अपने एसी में जाते हैं ना तो बिल्कुल बंद रहती खिड़कियाँ, लेकिन पहले तो हाथ बाहर निकाल लेते थे ना, तो हाथ को हवा लगती थी तो सारे शरीर की गर्मी दूर हो जाती थी। तो इतना इतने हिस्सा ठंडक लगेगी, इधर गर्मी रहेगी, तो वो यदि निरंस है तो हो जाता था ना ऐसा, नहीं तो अलग अलग मानेंगे तो उसे ठंडक लेना चाहिए, इधर गर्मी रहना चाहिए। तो अब वो एक जीव ले, अभी जीव के वो नरक में भी है प्रदेश का, और कुछ प्रदेश स्वर्ग में भी है, और तो पहले नरक में भी है, सातवें नरक में भी है, तो बहुत जोर की सर्दी लगती होगी और बहुत जोर की गर्मी लगती होगी। क्या सुगानी जी समझ आई ना बात? जब वही आत्मा, वही आत्मा का प्रदेश यहाँ भी है वहाँ भी है, अखंड असंख्य प्रदेशी जो भगवान आत्मा है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल ही समुद्घात हो गया है, रूप रूप नीचे है, अभी केवल ही समुद्घात नहीं है, वो अपने स्वदेह प्रमाण है। वो एक देह में से निकल के यदि दूसरी देह में गया हो तो भी वो उसी आकार में रहता है ना, तो सब जगह तो नहीं है और फिर भी दोनों जगह है, अब ये बात गले उतरती नहीं है। तो इसमें अभी 40वीं गाथा की टीका में जो अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत स्पष्ट ये सिद्ध किया कि वो निरंश है, काल की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से भी। मतलब यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एवं चेत एवं स्यात, एवं चेत एवं स्यात करके हमारे गले में फंसाया वो, ये तुम नहीं मानोगे तो आकाश को निरंश अखंड नहीं मान सकोगे हैं, और हम कहते हमें नहीं मानने आकाश को अखंड, तो कहते नहीं नहीं वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो तो शास्त्र में लिखा है कि अखंड है, फिर वो हमारे गले में शास्त्र डाल दिया ना, क्योंकि हम शास्त्र को स्वीकार करते हैं। उनने जो एक कहा लिखा हमने इसे बहुत बारीकी से पढ़ा और शांति जी को बुलाकर उनके साथ बैठ के भी पढ़ा, क्या समझने ना कि भाई ये इसमें स्थिति क्या है वास्तविक है। तो हमको अंत तो इसमें ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि भाई वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, तो हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बैठ रहा? तो जो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं उसको तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से ग्रहण करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से आप आगम से ही ग्रहण कर सकते, और जिस तरह से युक्तियाँ आचार्य देव ने दी हैं उसी तरीके से हमको इनको ग्रहण करना पड़ेगा। अभी 140वीं गाथा पढ़ो क्या? आकाश शमुनि विट्ठम आकाश पदेश सन्नया बड़िदम
सवेशिं चाडूडं सक्कदितम देदुमवगाशं अडो रहे जितने गगन में वह गगन ही परदेश है। अरे उस परदेश में ही रह सके पर महाड़ू सब। बस यही तो सीधी सी बात है कि आकाश के जितने हिस्से में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं, और उसी एक प्रदेश में सारे परमाणु भी रह सकते हैं, है ना। अनु रहे जितने गगन में वह गगन ही परदेश है, माने प्रदेश है, और अरे उस प्रदेश में ही रह सकें परमाणु सब। और आकाश का निरंशपना भी बना रहेगा, ये नहीं कहते पूरे आकाश में सब परमाणु रह सके, ऐसा नहीं कह रहे। आकाश को भी पूरा ले लो और परमाणु भी सब पूरे ले लो और उसमें मिल बांट के रह लेंगे, नहीं। वो तो एक प्रदेश में ये सब परमाणु रह सकते हैं, ऐसी शक्ति परमाणुओं में भी है और प्रदेशों में भी है। दोनों में क्यों जरूरत है? प्रदेशों में अपने में रखने की शक्ति है, अवकाश दान की शक्ति है, और परमाणु में इस उतनी कम जगह में रहने की शक्ति है। क्या एक परमाणु जितने आकाश में रहता है उतने आकाश को आकाश प्रदेश इस नाम से कहा गया है, और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। अवकाश प्रदेश माने प्रदेश, है ना। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ये पूरा एक पेज है, इसमें आचार्य ने बहुत तर्क व युक्तियाँ दे दे करके हमारे गले वो बात उतारने की कोशिश की। एक परमाणु से व्याप्त आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। एक परमाणु से व्याप्त माने एक परमाणु जिसमें फैल जाए, बन जाए, व्याप्त हो जाए। व्याप्त व्याप्त माने व्याप्त होने योग्य। एक है का एक परमाणु व्याप्त, परमाणु से व्याप्त आकाश माने वो आकाश का ये हिस्सा जो एक परमाणु ने जितना घेरा है का अंश एक आकाश प्रदेश है, उसे आकाश का प्रदेश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं मतलब। और वह एक आकाश प्रदेश शेष पांच द्रव्यों के प्रदेशों को परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। अकेले परमाणुओं को ही नहीं, बाकी के सब द्रव्यों को भी, बाकी के जीव सब द्रव्य उसी में। हर आकाश के प्रदेश में छह ही द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य भी है वहाँ, धर्म द्रव्य भी है, एक कालाणु भी है, हैं, और जीव के जीव भी हैं, पुद्गल भी है, और वो आकाश स्वयं तो है ही, छह ही द्रव्य हैं। प्रत्येक एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर छह ही द्रव्य नहीं हो लोकाकाश में, लोकाकाश छोड़ देना। आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। अब ये हमारे गले में डाल रहे, हमको कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो आकाश सब परमाणुओं को जगह नहीं दे पाएगा, जैसे वो जगह देने का जिम्मेवारी हमारी हो तो नहीं दे पाएगा तो समस्या है ना। यानी कहने का मतलब ये तो हमारा सर्वमान्य सत्य है कि उस आकाश के प्रदेश में सारे परमाणु रहते हैं, इस आगमाश्रित हेतु है जी, जानते आप। ये अजय नहीं क्यों मानेगा, ये तो अपन आचार्य द्रव्य में अनंत श्रद्धा रखते हैं, इसलिए वो हमको ये बात कह करके ये बात कह रहे। जैसे हम कहें कि साहब यदि ऐसा मानेंगे कि पांच इंद्रियों के विषय भोग सामग्री है, इसके बिना सुख नहीं होता है, तो फिर सिद्ध भगवान सुखी नहीं रहेंगे। अपन कहें ना,
तो फिर वो कह के नहीं रहे, हमें क्या सिद्ध भगवान सुखी हो, हमें क्या जरूरत है, हो चाहे नहीं हो, तो कहते कैसी बात करते हुए तो है ही अब हमको फिर है ही सिद्ध भगवान सुखी हैं, ये हमको स्वीकार कराते हैं ना वे, क्योंकि हमने स्वीकार किया हुआ है कि सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। वे कहते भोग सामग्री के बिना यदि सुख नहीं होता है तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान सुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान तो अनंत सुखी है, इसे सिद्ध होता है कि इनसे नहीं होता। तो हमने जो ये बात सिद्ध की, एक जैनी को ही हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हम आपसे कहें हम नहीं मांगने मानेंगे ऐसा आगम, अरे कैसी बात करते हो कि हम आगम नहीं मानेंगे, तुम्हें मालूम है कि तुमने आगम से क्या क्या मान रखा है, तीर्थंकर 24 होते हैं ये भी तुमने आगम पढ़ के ही माना है, फिर तुम ये भी नहीं मान सकोगे, नहीं मानेंगे। तो ये मंदिर तुमने बनाए ना 24 तीर्थंकरों की, फिर मंदिर नहीं मान सकोगे, फिर पूजा नहीं कर सकोगे, दर्शन नहीं कर सकोगे, स्तुति नहीं कर सकोगे, क्यों हम नहीं मानेंगे, तो अकीर्तन चैत्यालय नहीं मान सकोगे, फिर उसका विधान नहीं कर सकते, तुम रोजीना पूजन करते हो, कृता कृतम चैत्यालयों की वंदना बोलते हो ना, और फिर एक एक जगह गिनाते हो, फलानी जगह है, फलानी जगह है, हमें तो वो जगह दिखती नहीं, तो तुम ये चलता नहीं ना, हम चुपचाप मानते जाते हैं कि नहीं मानते जाते हैं, तो आगम के आधार पर हमने क्या क्या मान रखा है, और नई तरफ यदि हम नहीं माने, ये कह दो कि अभी हमारे पास जबरदस्ती नहीं है, तो हम फिर जीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं। जितना ज्ञान का क्षेत्र अभी दुनिया में पढ़ाई हो रही है ना, विज्ञान की सब सब्जेक्ट की, कि एक किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा होता है, एक मीटर इतना होता है, एक किलो इतना होता है, इतना तो नाप सब चल रहा है ना सारी दुनिया में, तो उससे सारे अपना व्यवहार चल रहा है, कि हम नहीं मानेंगे एक मीटर इतना क्या होता है, हम तो इसका डबल मानेंगे, तो चलेगा तुम्हारा कभी, तुम यहाँ से एक कदम नहीं चल सकते हो, फिर बाजार से तुम एक गज कपड़ा नहीं खरीद सकोगे, क्यों, यानी लोक में जितना ज्ञान सुनिश्चित है और लोक ने मान्य कर लिया है, उसके आधार पर हम कितना अधिक व्यवहार चलाते हैं, हमसे दर्जी कहता है इतना कपड़ा लाओ, हम उस नाप को नहीं माने और उसे अलग माने तो ज़्यादा कम ले जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं बनेगी ना। मेरे कहने का मतलब ऐसा कहते हैं कि हमको अपने को पशु की पर्याय में ले जाना हो तो तुम इस ज्ञान से इनकार करो, तारा तुम्हें समझ में आए ना, जैसे पशु को नहीं है कुछ भी, अब उसका कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं है, और हमने तो इतना ज्ञान जो हमारे पूर्वजनों ने नक्की कर लिया है वो हमें झकमार के सच्चा मानकर और उस मास्टर से पढ़ना पड़ेगा जो दिन में 10 दफे झूठ बोलता है, लेकिन वो पढ़ाएगा तो उसे हमें सच मानना पड़ेगा, हैं कि इतने का मीटर इतने इंच का होता है, फलाना होता है, जो भी है ना, वो कहेंगे साहब मास्टर जी बहुत झूठ बोलते हैं, कि ठीक बोलते होंगे लेकिन तुम जाओ बेटा उन्हीं के पास पढ़ो, यही लिया तुम्हारे गुरु जी, धर्म के गुरु जी भी झूठ बोलते होंगे तो भी तुमको द्रव्य क्षय होते हैं, तत्व साथ होते हैं, ये सब मानना पड़ेंगे, उन भी गुरु जी झूठ बोलते हैं तो उनने जो ये बताया है ये भी झूठ नहीं हो जाएगा। मैंने ज्ञान का जितना विकास हो गया है वो सर्वमान्य विश्व में, उतना ज्ञान तो तुम्हें रट रट के सीखना पड़ेगा, उसने तुम्हारा माथे में तुमने मारा अकल लगाई कि हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा मानेंगे, तो ऐसा नहीं, जैसे तुम छू के देखते हो तो अग्नि गर्म है, तो इसे गर्म कहते हैं नहीं, हमें इसे हम तो इसे ठंडा कहेंगे, बर्फ को छू के देखा इसे ठंडा कहते हैं, कि नहीं हम तो इसे गर्म कहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, सारे विश्व ने उसे गर्म और उसे ठंडा मान लिया है तो तुम्हें उसे गर्म और ठंडा ही कहना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये जो ज्ञान है जो आगम में लिखा है और उससे हमने बहुत कुछ मान लिया है, फिर बाकी का जो नया ज्ञान दिया जाता है वो उसको आधार सत्य है ऐसा मान करके ही दिया जाता है, जो ये भाषा आ रही है ना वैसी की वैसी। ऐसा होने पर यदि कोई ऐसा कहे कि आकाश के अंश नहीं है,
वो तो कहते आकाश निरंश है माने अखंड है ना, तो उसके फिर वे अंश नहीं हैं तो फिर अनंत प्रदेश नहीं मानना पड़ेंगे। फिर ये बात नहीं हो, ये तो मानी है शास्त्र में आकाश से अनंत, ये सूत्र तो हमने पढ़ा है। तो आकाश में दो उंगलियों उठाकर हम पूछते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, दो उंगली हमने उठाई, हम पूछते हैं कि इन दोनों उंगलियों का क्षेत्र एक है या अलग अलग, ऐसा नहीं लिखा एक है या अनेक। न्याय की भाषा के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझने की सुविधा के लिए कहते हैं कि इन दोनों का क्षेत्र स्थान अलग अलग है कि एक है। तुम इतने विद्यार्थी यहाँ रहते हो, जितने भी रहते हो पौने 200 जो भी, तो तुम कहाँ रहते हो? टोरामल स्मारक में रहते हो ना, तुमने एक ही जगह रहते हो ना तुम लोग, जयपुर में बापू नगर में टोरामल स्मारक में एक ही जगह रहते हो कि अलग अलग? और एक जगह रहते हो कि अनेक जगह रहते हो? जैसे ने ऐसा किया है, इनने दो उंगलियां खड़ी करी अमरचंद ने, जैसे इनने दो मुनि खड़े कर दिए, मैंने दो अपने विद्यार्थी खड़े कर दिए। तो इसका एकदम दो उत्तर होते हैं ना कि हाँ एक ही जगह रहते हैं, एक ही स्मारक में हम सब विद्यार्थी एक साथ रहते हैं, तो एक जगह एक ही क्षेत्र में हो गए ना। और फिर कहते हैं नहीं नहीं ये 9 नंबर कमरे में, ये 8 नंबर कमरे में, तो अलग अलग हो गए ना फिर। तो इसका मतलब स्मारक के कितने टुकड़े हैं? जितने जितने जो एक रहते हैं वे सब उसके अंश हो गए ना। तो ऐसे ही आकाश द्रव्य के अनंत अंश भी हैं, और वो अनंत अंश होने पर भी अखंड भी है, माने वे अंश अलग अलग किए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता वे दो कमरे हैं ना 8 नंबर और 9 नंबर, तो 9 नंबर को इस विंग में ले जाएं और 8 को इधर ले जाएं, वो तो अगल बगल में हैं तो उनका क्षेत्र अगल बगल में ही रहेगा, अब वो उन अखंड रहेगा बीच में, वो जुड़ा हुआ है, वो टूट नहीं सकता। तो वो निरंश भी है और अंश भी है। यदि अंश नहीं मानेंगे तो अनंत प्रदेश हैं आकाश के, ये नहीं कह सकेंगे। और अखंड नहीं मानेंगे तो आकाश द्रव्य एक है, ये नहीं कह सकेंगे। तो वो सामने जो है नास्तिक आदमी, वो कहता हम नहीं कहेंगे, हमें कौन सा शौक है कि हम आकाश को एक कहें कि अनेक कहें। वो कहते भैया तुमने शास्त्रों में पढ़ा है ना और उसे माना है, तो वो गलत हो जाएगा, तो तुम्हारे पर वज्र पड़ना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? मैंने आकाश आगम के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, समझ गए ना, कभी ऐसा नहीं माना जा सकता। वो तो है ही, आकाश एक है और उसके अनंत है ना प्रदेश हैं। तो ऐसा ही देखो उंगलियां कहाँ गई, हम पूछते हैं कि इन दो उंगलियों का क्षेत्र एक है कि अनेक। देखो इसे बोलते जिंदा भाषा, अब वे तो लिख रहे हैं, कोई है नहीं सामने अब, और हम पूछते हैं कि ये दो उंगलियों में, तो ये हम तो बता रहे हैं यहाँ, वे कहाँ बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, वे उंगलियाँ ही नहीं उठा रहे। मैंने भाषा में भी इन दो उंगलियों को कह देते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी, और ये उंगलियाँ नहीं बताएं तो भी, एक है कि अनेक, अनेक माने अलग अलग। यदि एक है ऐसा कहो तो फिर प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, समझ में आया ना? वो फिर उसमें से उनने दो प्रश्न खड़े कर दिए, वो कहते हैं अभिन्न अंशों वाला है इसलिए एक है कि भिन्न अंशों वाला होकर के भी एक है, ये प्रश्न खड़ा किया। इसको तुम शांति से घर पर, जैसे हमने पढ़ा ना बैठ के शांति जी के साथ, तुम भी पढ़ना कई दफे,
हैं, फिर उसका भाव आपके ख्याल में आता कि नहीं आता। अभी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे उसको अलग रखना कि हमारे चित्त को स्वीकृत होता कि नहीं होता। पहले तो आचार्य क्या कह रहे हैं हमें वो समझने की कोशिश करना है, फिर रट के नहीं समझ लेना, फिर इसे रख देना, फिर इसी को यहाँ भाषा देके लिखना। क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि तुम दो उंगलियों का क्षेत्र बोलते हो कि एक है कि अनेक है, अनेक माने भिन्न भिन्न अलग अलग है, तो तुमने क्या माना है? वो अंश जो हैं आकाश के, उनको आकाश से अभिन्न मानकर बात कर रहे हो कि उनको भिन्न मानकर बात कर रहे हो? ऐसा प्रश्न उठाते हैं, फिर उन दोनों का जवाब देंगे कहाँ पर रहे? यदि आकाश अभिन्न अंश वाला विभाग एक द्रव्य है, यहीं पढ़ना है ना कि ऊपर और ऊपर चलना, तो इसलिए तो दो उंगलियों का एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, क्योंकि आकाश अभिन्न है अखंड है, इसलिए दोनों एक ही है। यही तो कहते हैं टोटम अंश हमारा अभिन्न है, इसलिए हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं। जबकि आप इधर रहते हो, ये इधर रहते हो, दोनों के बीच में 25 मीटर का अंतर है, फिर भी हम एक ही जगह रहते हैं। तो आकाश के एक इस प्रदेश में रहे नरक में, नीचे अधोलोक में, एक ऊपर लोक में, लेकिन दोनों आकाश में रहते हैं, ये तो हम कहते ही हैं ना है? जब हम ऐसा कहते हैं तो वो कहते हो अभिन्न अभिन्न आकाश है, इसलिए कहते हो, इसीलिए तो कहते हैं कि भिन्न अंश वाला उसे अलग और जे अलग है ऐसा मान के कहते हो। दो बातें प्रश्न उठाए ना, तो अभिन्न अंश वाला भाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगुलियों का एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, तो जो अंश एक उंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी उंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाएगा। ये भी टोटा मल स्मारक है, ये भी टोटा मल स्मारक है, तो दो काय को बोलते हो? एक ही स्मारक है, एक ही रह जाएगा, ये कहते हैं। वही अंश दूसरी उंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार एक से अधिक दो आदि अंशों का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा। फिर आकाश भी एक ही प्रदेशी हो जाएगा, अनंत प्रदेशी आकाश नहीं रह सकता। अब इसमें सब में वही उत्तर है कि हम कह रहे हो जो हो जाए, लेकिन वो कहते भाई साहब हमने जो शास्त्र में पढ़ा है कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, वो हमारा पक्का वादा है, तो वो टूट जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं ना? आजकल सबसे बड़ा संकट है ये। जितने लोग भी तुमसे जाओगे समाज में जाओगे और बहस करेंगे, वे ऐसे ही छुट्टे सांड होते हैं, कहने हम नहीं मानते, हमें नहीं मानना। हम कहें आलू में अनंत जीव होते हैं, किसी शास्त्र में हम नहीं मानते, हमें तो अच्छी तरह देख लिया, क्या करो मानने। जैसे रजनीश जैसे विद्वान है ना, ये ऐसे ही है, बस जो बात है कहते हैं हमें नहीं मानना, हम नहीं मानते, बस जो अच्छी बात है मान लेंगे, सुनाएंगे और बाकी से इनकार कर देंगे। कभी किसी से बनते ही नहीं हैं तो फिर बहस हो नहीं सकती है। तुम पहले अपना सिद्धांत बताओ। जैसे हम कह रहे हैं कि आकाश एक द्रव्य है, उसके अनंत प्रदेश हैं, तो तुम बताओ कि जो अवकाशदान की जो जग चीज है वो क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, फिर उस पर बहस करेंगे। तो वो कहते हमें वो भी बताता नहीं, क्योंकि वो बता जाएगा तो उससे तो बंधना पड़ेगा ना उसे। तो जो कोई आदमी बंध नहीं सकता, पहले जितनी भी बहस होती थी ना वो कैसी होती थी कि हम कहें बौद्ध बौद्ध ऐसा कहते हैं तो हमारा उनसे ऐसा कहना है, तो जो फिर बौद्ध शास्त्रों में लिखा है वो उससे इनकार नहीं कर सकता था। हम कहें तुम्हारे यहाँ ऐसा लिखा है, हम तो नहीं कहते, ऐसा नहीं कह सकता है वो, हम तो नहीं कहते। क्यों? कि भगवान महावीर की देवी धुनी में ये आया था, तो हम तो नहीं मानते, हम नहीं कहते कि हम आया था, ऐसा नहीं कहते। यदि अपने लिखा था अपन को मानना पड़ेगा, ख्याल में आए ना, उसे बंधना पड़ेगा। तो इसी तरीके से, इस तर्क से उनने अपन को ये बात गले उतारने की कोशिश की,
बात तो बहुत छोटी सी है, बस इतनी सी है कि एक आकाश के प्रदेश में असंख्य परमाणु एक साथ रह सकते हैं, और एक रहे तो एक ही रह सकता है, और उससे कम जगह में एक परमाणु नहीं रह सकता। समझ में आई ना ये अंतिम वाक्य मैंने क्या बोला? समझ हो गया मुझे मालूम है। उससे ये उसी में और असंख्य परमाणु ठहरा दो, लेकिन एक को एक परमाणु प्रदेश चाहिए ही चाहिए। कहते देखो एक लड़के को ठहरने को एक कमरा चाहिए, और हम चाहें तो उसी में चार विद्यार्थी ठहरा दें, लेकिन हमारे पास चार नहीं है, एक ही है, तो एक बटा चार कमरे में नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके चार गेट नहीं है, चार किवाड़ नहीं है। आप समझे ना, मैंने उसमें एक परमाणु को एक प्रदेश चाहिए ही चाहिए, और उसमें अनंत परमाणु ठहर सकते हैं, लेकिन एक परमाणु को उससे कम जगह में नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उससे कम जगह होती ही नहीं। कम जगह नहीं होती माने उस जगह के दो टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। ये बात है, पढ़ना कल, फिर अपन कल चर्चा करेंगे।